हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम इस वीडियो में एंटीना एंड वेव प्रोपोगेशन का बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि है स्लीव एंटीना। आई होप आपने पुरानी वीडियोस देखी होंगी जहां पर मैंने डायपोल एंटीना डिस्कस करा था। सो स्लीव एंटीना को हम स्लीव डायपोल एंटीना भी बोलते हैं या फिर स्लीव कोएक्सियल एंटीना भी बोलते हैं और कोएक्सियल स्लीव एंटीना भी बोलते हैं। अब ये क्यों बोलते हैं ये हम देखेंगे इस वीडियो की हेल्प से। सबसे पहले स्लीव एंटीना होता क्या है। स्लीव एंटीना भी एक टाइप का डायपोल एंटीना ही है। जैसे टू एलिमेंट्स होते हैं डायपोल एंटीना में, ऐसे ही स्लीव एंटीना में भी टू एलिमेंट्स ही होते हैं, राइट। सो यहाँ पर यू कैन सी, ये मेरा फर्स्ट एलिमेंट है जो कि है कंडक्टिव वायर, जिसकी लेंथ है लैम्डा अपॉन फोर। जैसे कि डायपोल एंटीना में टोटल लेंथ होती थी लैम्डा बाय टू, तो यहाँ पर भी दो एलिमेंट्स हैं, एक लैम्डा बाय फोर का, एक लैम्डा बाय फोर का, टोटल लेंथ हो जाएगी लैम्डा बाय टू। कंडक्टिव वायर की लेंथ है लैम्डा बाय फोर और जो स्लीव है उसकी लेंथ है लैम्डा बाय फोर। सो कंडक्टिव वायर है जिसे हम बोलते हैं एक कंडक्टर, राइट। सो यहाँ पर कंडक्टर एक सेंटर कंडक्टर की हेल्प से ये इधर कोएक्सियल केबल से कनेक्टेड है। तो एक कंडक्टर है, एक स्लीव है, स्लीव के अंदर कोएक्सियल केबल है। कोएक्सियल केबल का आई होप आपको स्ट्रक्चर याद होगा। यहाँ पर बहुत सारे जिगजैग मैनर में बहुत सारी वायर्स होती हैं। सो ये ऐसे एक जिगजैग मैनर में मेटलिक वायर्स कनेक्टेड होती है आउटसाइड, और इनसाइड यहाँ पर एक कंडक्टर एलिमेंट होता है, राइट। सो एक कंडक्टिव वायर होती है और आउटसाइड बहुत सारे मेटलिक कंडक्टर होते हैं। तो यही मेरा कोएक्सियल केबल है। इसके जो आउटसाइड वाले मेटलिक कनेक्टर हैं, मेटलिक कंडक्टर्स हैं, उसे हमने डाइलेक्ट्रिक इंसुलेटर से कनेक्ट कर दिया है और सेंट्रल कंडक्टर से हमने कंडक्टिव वायर को कनेक्ट कर दिया है। यही मेरी कोएक्सियल केबल इधर भी एक्सटेंड हो रही है। तो जो कोएक्सियल केबल हमारी स्लीव और मेटलिक जैकेट के अंदर रैप्ड है उसे हम स्लीव बोलते हैं। और ये 1/4 लैम्डा वाला जो कंडक्टर है ये किसी में भी रैप्ड नहीं है, एज इट इज़ है। तो आई होप आपको स्ट्रक्चर समझ आ गया होगा कि स्लीव डायपोल एंटीना का स्ट्रक्चर कैसा होता है। अब आपको समझ आ गया होगा कि क्यों इसे कोएक्सियल स्लीव एंटीना भी बोलते हैं, क्योंकि स्लीव के अंदर हमारे पास कोएक्सियल केबल है, राइट। सो इसे कोएक्सियल स्लीव एंटीना भी बोलते हैं। नाउ ये एक बैलेंस्ड एंटीना, बैलेंस्ड एंटीना मतलब इसको बलून की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। बलून की रिक्वायरमेंट तब होती है जब भी हमारे पास मिसमैच हो जाता है, लॉसेज आने लग जाते हैं, तो करंट को फीड करवाने के लिए, जिससे कि रिफ्लेक्शन पावर लॉसेज ना हो, वी रिक्वायर बलून। बट ये क्योंकि बैलेंस स्ट्रक्चर है इसलिए यहाँ पर बलून की रिक्वायरमेंट नहीं रहती है। अब इट इज़ बिकॉज इट इज़ फीड बाय द कोएक्सियल केबल। यहाँ पर हम फीडिंग किससे कर रहे हैं, कोएक्सियल केबल से, जो कि है अनबैलेंस्ड फीड लाइन। तो यहाँ पर तो बलून की रिक्वायरमेंट थी, बट क्योंकि यहाँ पर हमने स्लीव से कवरिंग कर रखी है, सो स्लीव इज एक्टिंग लाइक अ बलून। स्लीव बैक साइड जो करंट है उसे जाने से रोक रहा है। इट इज काउंटरिंग द इफेक्ट ऑफ करंट रिटर्निंग बैक अलोंग द आउटर ब्रेड ऑफ द कोएक्सियल केबल। ये जो आउटर ब्रेड है इससे करंट रिटर्न कर सकता था, इसीलिए ही ये अनबैलेंस स्ट्रक्चर है। अब क्या कर रहा है, जो स्लीव है वो इसे रोक रहा है, राइट। सो स्लीव एक बलून की तरह एक्ट कर रहा है जिससे कि करंट वापस बैक साइड नहीं जा सकता है। रेडिएशन पैटर्न डोनट शेप का रहेगा। आई होप आपको रिमेंबर होगा कि कैसे डायपोल एंटीना में हमने डोनट शेप का रेडिएशन पैटर्न डिस्कस करा था, जो कि ओमनी डायरेक्शनल रेडिएशन पैटर्न है। ओमनी डायरेक्शनल रेडिएशन पैटर्न मतलब अगर मैं इसे इस डायरेक्शन से देखूं तो यहां पर मुझे रेडिएशंस जो है वो यहाँ पर डायरेक्शनल दिखेंगी, बट अगर मैं इसे अपसाइड डायरेक्शन से देखूं तो मुझे पूरा सर्कल टाइप दिखेगा, विच मीन्स कि कोई भी डायरेक्शन नहीं है। तो एक साइड से नॉन डायरेक्शनल है, एक साइड से देखा जाए तो ये रेडिएशन पैटर्न डायरेक्शनल है। आई होप आपने देखा होगा कहीं ना कहीं तो डोनट। तो गेन की बात करें तो गेन मैक्सिमम रहेगा 2.75 dB। वोल्टेज स्टैंडिंग वेव रेशियो रहेगी 2.0 से लेस और 2 से लेस, तो वोल्टेज स्टैंडिंग वेव रेशियो अच्छी है इस केस में। इम्पीडेंस 50 ओम रहेगा। साइड लोब लेवल रहेगा -28। नाउ पोलराइजेशन हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है, वर्टिकल भी हो सकता है, हाउसिंग मटेरियल, जिस मटेरियल में इसे हाउस करते हैं, राइट, इसके अंदर इसे कवर करते हैं। आपने देखा होगा रेडियोज के ऊपर लगे होते हैं इस टाइप के एंटीनाज। सो ये जो अगर रेडियो के ऊपर लगे हुए हैं ये एंटीनाज, सो दिस इज द स्लीव एंटीना। ये किसी जैकेट, ब्लैक कलर की जैकेट के अंदर कवर होते हैं मोस्टली, और वो जो जैकेट है वो हाउसिंग मटेरियल बोलते हैं, वो होता है ABS।
ये रेडियो वेव एंटेनाज होते हैं, रेडियो फ्रीक्वेंसी पर वर्क करता है। इसे ट्रांसमीटर और रिसीवर दोनों के लिए ऑपरेट किया जा सकता है, क्योंकि ट्रांसमिटिंग एक्शन करता है वाइड रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज पर, रिसीविंग एक्शन भी करता है वाइड रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज पर। तो इसे बोथ ट्रांसमिटर और रिसीविंग एंटीना बोलते हैं। इट इज़ स्टर्डियर, तो डिग्रेड नहीं होता है जल्दी से। एप्लीकेशन, इट इज़ यूज इन द रेडियो बेस स्टेशन, इट इज़ यूज इन द मैरिटाइम, शिप टू शॉप एंड शिप टू शोर रेडियो एंटीनाज। आई होप आपको समझ आया होगा कि स्लीव एंटीना होता क्या है। अगर आपको कहीं पे भी कुछ भी डाउट है तो अपने डाउट को कमेंट सेक्शन में जाकर लिख दीजिए। आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए दोस्तों के साथ और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए। थैंक यू सो मच।